बिजली की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, बेकरी, तंदूर, सिनेमा घर रात 11:30 बजे बंद होंगे। फार्मेसी, पेट्रोल पंप, टायर शॉप, दूध की दुकानों को इस्तेस्ना हासिल। इतलाक आज से होगा। करोड़ों की सरकारी अराजी जालसाजी से अपने नाम मुंतकली। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। उस्मान बुज़दार के भाइयों को भी मुकदमात में नामजद किया गया। एंटी करप्शन जराए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने तौंसा में करोड़ों मालियत की 900 के नाल सरकारी अराजी अपने नाम मुंतकिल करवाई। सरदार उस्मान बुज़दार पर सरकारी जमीन की अलॉटमेंट के बारे में जाली लेटर तैयार करवाने का भी इल्जाम है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई मंतक। रनवे पर परिंदे भगाने की बजाय कप्तानों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया। उधर लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया परिंदों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। अमान एयर की परवाज 341 लैंडिंग के लिए डेढ़ घंटा फिजा में चक्कर लगाती रही। डेढ़ घंटे बाद रनवे क्लियर होने पर कप्तान ने जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। तुर्किश एयर की इस्तंबुल जाने वाली परवाज 715 भी बरवक्त रवाना नहीं हो सकी। रवा हफ्ते के दौरान 3 जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात हो चुके हैं। शहर के बेशतर सरकारी अस्पताल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। 3 टीचिंग अस्पतालों में कोई एमएस ही तायुनात नहीं। दीगर अस्पतालों के एमएस को 3 अस्पतालों का एडिशनल चार्ज दिया गया। जनरल अस्पताल, पीआईसी, न्यू अस्पताल एमएस से महरूम। दीगर अस्पतालों में इजाफी चार्ज से काम चलाया जाने लगा। वजीर आजम का शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इकदाम। मुलगीर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआवन साबित होगी। शहबाज शरीफ की सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को इकदाम की हिदायत। ट्रेनिंग को स्कूल के निसाब में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की परवेज मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद। वफाकी वजीर चौधरी सालिक भी हमराह। चौधरी शुजात का MNA शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से इजहार ताजियत। मरहूम परवेज मलिक के साले सवाब के लिए फातिहानी। मिनहाला रोड की न्यू ग्रीन आबादी हाउसिंग स्कीम की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। न्यू ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने का इंकशाफ। LDA के डेप्टी डायरेक्टर सिकंदर हारून ने साजबाज की। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट कमिश्नर और डेप्टी कमिश्नर को इरसाल कर दी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंप्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैंक अकाउंट मुंजमद। FBR ने 42,67,000 रुपए की रिकवरी कर ली। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंप्लॉयज सोसाइटी 3,42,00,000 की नादहिंदा थी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तशहीरी बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ मुतहरिक। बगैर इजाजत तशहीरी मवाद आवेजा करने पर मुकदमा दर्ज होगा। बेजा इश्तेहार आवेजा करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला। बगैर इजाजत वॉल चॉकिंग, फ्लेक्सेस, पेनाफ्लेक्सेस, स्टीमर्स लगाने पर पाबंदी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फिर मुतासर होने लगा। तैयारों में कमी और दीगर वजूहत की बिना पर 10 परवाजें मनसूख। नजफ से आने वाली परवाज IF341 मंसूख। जद्दा से आने वाली सऊदी एयर की परवाज SV734 मंसूख। लाहौर से इस्तंबुल जाने वाली परवाज TK715 2 घंटे 15 मिनट ताखिर से रवाना। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इस्तदादे डेंगी मुहिम पर तरबियती सेशन। CEO हेड लाहौर AC राइवर्ड समेत दीगर अफसरान की शिरकत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने सर्विलेंस में बेहतर कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। लाहौर के तारीखी जैन मंदिर की तज़ीनो आरायश मुकम्मल कर ली गई। जैन मंदिर को हिंदू कम्युनिटी के लिए खोल दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जैन मंदिर की तज़ीनो आरायश कराई। महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान एग्री एक्सपो का आखिरी रोज। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने 150 के करीब लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। एक्सपो के इनेकाद से ज़रई बरामदात के इजाफे में मदद मिलेगी। वलीउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।
लाहौर। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम दंगल कुश्ती के मुकाबलों में नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया। टाइटल कुश्ती हीरा और शान हीरा पहलवान के दरमियान बराबर रही। मुकाबलों में नन्हे पहलवानों ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए।